नेट नहीं है आज। ऑडियो प्रॉपर है लेकिन वीडियो प्रॉपर नहीं है। गलत फील्ड में आ गया फिर है ना, टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना चाहिए था ऐसा। अच्छा, गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बेटा, बताना एक बार। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या? अर्पण सक्षम, यस। चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर थर्ड ले रहे थे अपन, थर्ड यूनिट चल रही थी अपनी। सेक्शंस का चार्ट बोला था ना यूनिट टू का बनवाने के लिए, तो यूनिट टू के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो मेंशन कर लो एक जगह। यूनिट टू के इंपॉर्टेंट सेक्शंस, एक तो सेक्शन नंबर 15 कर लेना, यूनिट टू के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस बोले थे, लिखो सेक्शन नंबर 15। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन एंड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल। डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल सेक्शन नंबर 16 करना है। सेक्शन 16 में तीन चीजें हैं, एक तो है आपका कैव अटेम्प्टर, एक है आपका कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, और एक है कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। तीन चीजें यहाँ कवर्ड हैं। एक करना है सेक्शन नंबर 17 जिसमें आएगी कंडीशन एज टू सैंपल। प्रैक्टिकल के बिहाफ पे बात करें अपन तो ये तीन हो गए ना, और थ्योरी के बिहाफ पे बात करें तो थ्योरी में कुछ एडिशनल भी आ जाएंगे। सेक्शन नंबर एक तो करना 13, कब ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी के बराबर मानी जाएगी, बाय वेवर, बाय इलेक्शन, नॉन सेवरेबल, बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स, एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज। सेक्शन 13 कर लेना, व्हेन ब्रीच ऑफ कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। जो पूछा हुआ है वही बता रही हूं मैं आपको, और 12-2 में तुम्हारी कंडीशन है और 12-3 में वारंटी है। 12-2 में कंडीशन है, 12-3 में सेकंड क्या 13, व्हेन ब्रीच ऑफ कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। ब्रीच ऑफ कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ
वारंटी, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर में छोटे छोटे प्रैक्टिकल दे रखे हैं आईसीआई बुक के पीछे, दो चीज दो सेक्शन थे ना, 7 और 8 बुक्स डिस्ट्रॉय हो जाते थे। 7 में तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाते थे, और 8 में क्या होता था, एग्रीमेंट के बाद में और सेल से पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते थे, है ना। तो ये ओवरऑल हो गई समराइज, इसको कर दिया अपन ने, लिख लिया आई थिंक सबने। अब आ जाते हैं वापस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे इसका, इस टॉपिक का। केस लॉस करने ना इसके, केस स्टडी करना है ना इसका, सेल और रिटर्न बेसिस का, तो ये करते हैं अपन अभी, है ना। मैं एक काम करती हूँ, ये चीज आपको आईसीआई से करा देती हूँ, इसके क्वेश्चन आईसीआई आपके पास है ही, इसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज हुआ है भाई। चेंजेस आए हैं, क्या हो गया, नहीं आ रहा कैमरा। एक क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, ये करने जा रहे हैं अपन आईसीआई में, क्वेश्चन नंबर 4। मिस प्रीति है, इन्होंने एक मोटर कार है इनके पास, जो इन्होंने किसको दी है, मिस्टर जोशी को, ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। एक हफ्ते बाद में मिस्टर जोशी ने ये गिरवी रख दी किसके पास, मिस्टर गणेश के पास। मिस प्रीति नाउ वॉन्ट्स टू क्लेम बैक द कार फ्रॉम मिस्टर गणेश, विल शी सक्सीड। देखो सेल और रिटर्न बेसिस पे रखा गया है यहाँ पर गुड्स को, देखो एक है मिस प्रीति, इसने क्या किया, सेल और रिटर्न बेसिस पे किसके पास रख दिए, मिस्टर जोशी, और मिस्टर जोशी ने आगे क्या कर दिया, प्लेज कर दिया किसके पास, मिस्टर गणेश के पास, ठीक है। आपको क्या बोला है कि मिस प्रीति नाउ वांट टू क्लेम बैक द मोटर कार फ्रॉम मिस्टर गणेश, क्या ले सकती है, क्या बताओ, नहीं ले सकती। अगर आप याद करो सेल और रिटर्न बेसिस में 3 केसेस थे जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। पहला बोला था बायर खुद इंटीमेट कर दे, जैसे ही नोटिस देगा ओनरशिप ट्रांसफर। दूसरा रीजनेबल टाइम या प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में गुड्स को वापस नहीं करता, ठीक है, तो वो एक्सपायरी हो जाती है वैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था, डज एन एक्ट विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, जैसे कि किसी और के पास प्लेज पे रख दे या सेल पे रख दे। तो जैसे ही मिस्टर जोशी ने प्लेज पे रखा किसके पास, मिस्टर गणेश के पास, क्या मानेंगे, ओनरशिप मिस्टर जोशी को ट्रांसफर हो गई, ठीक है। तो अपने गुड्स को तो ये आगे किसी और को दे सकता है ना, तो प्लेज विल बी वैलिड,
ये सेल भी वैलिड हो गई और प्लेज भी वैलिड हो गई। मिस प्रीति चाहे तो सिर्फ क्या ले सकती है, डैमेजेस, बट कैन नॉट क्लेम द गुड्स बैक। समझ आई बात की नहीं आई बताओ मुझे। सेल और रिटर्न बेसिस में पढ़ा था ना ओनरशिप ट्रांसफर कब हो जाती है, तो जैसे ही सेल या प्लेज किया ओनरशिप ट्रांसफर हो गई मिस्टर जोशी को, और आप अपने गुड्स को किसी और के पास गिरवी रख सकते हो। तब मिस प्रीति के पास क्या ऑप्शन है, शी कैन क्लेम ओनली डैमेजेस। समझ आ गई बात ये वाली। तो ये चीज यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अच्छे से कर लेना। एक बार बता भी देती हूँ मैं आपको, फोर्थ वाला ये है। जोशी अगर रिप्लाई नहीं देता और आगे ट्रांसफर कर देता तो भी वही बात हो जाती है। सेल कर दिया ना, आगे सेल करते ही डज एन एक्ट विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, वो पॉइंट नंबर थ्री लग जाता है आपका। जोशी से गणेश तो नहीं है, गणेश तो बोनाफाइड है, उससे नहीं मिलेगा। जिसको इसने सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया उसी से तो लेगी, दूसरे से कैसे लेगी बताओ। सेक्शन नंबर क्या लगा, 24। गुड्स आर डिलीवर्ड टू बायर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, देखो पहला पॉइंट, बायर सिग्निफाई कर दे अपना अप्रूवल, है ना, या फिर ऐसा कोई काम करे विच इज अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन। अपन ने यहीं तक पढ़ा था वैसे, डज नॉट सिग्निफाई द अप्रूवल बट रिटेन द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन। तो जब टाइम लिमिट आपकी एक्सपायर हो जाए, अगर टाइम लिमिट नहीं है तो ऑन एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम ओनरशिप ट्रांसफर। ऐसा कोई काम करता है विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, जैसे कि आगे किसी और के पास प्लेज पे रख दे या सेल पे रख दे, ओनरशिप ट्रांसफर। ये आपका लीगल प्रोविजन है। और ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको अच्छे से करके जाना, कर लोगे बताओ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आगे क्या दिया है देखो, मिस्टर जोशी हु हैज टेकन डिलीवरी ऑफ मोटर कार ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, क्या कर दिया उसको आगे, प्लेज, तो हैज अट्रैक्टेड द थर्ड कंडीशन दैट ही हैज डन समथिंग विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स। एग्जाम्पल, ही प्लेजेस और सेल द गुड्स, देयरफॉर द प्रॉपर्टी पासेस टू मिस्टर जोशी। सो इन दिस सिचुएशन मिस प्रीति कैन नॉट क्लेम द मोटर कार फ्रॉम मिस्टर गणेश, बट शी कैन क्लेम द प्राइस फ्रॉम मिस्टर जोशी। यही है ना, यही हमने पढ़ा था, ये अपना इसका इस टॉपिक का एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब एक चीज इसके अंदर आती है, कैश ओनली और रिटर्न बेसिस। इसके अंदर एक आता है आपका हमने पढ़ा है अभी सेल ओनली और रिटर्न बेसिस। एक उसके अंदर कॉन्सेप्ट और मिलेगी आपको आगे जाके, जिसको बोलते हैं अपन कैश ओनली और रिटर्न बेसिस। और दोनों चीजों में बेटा डिफरेंस है, कैश ओनली और रिटर्न बेसिस, और इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। देखो कैसे, सेल ओनली और रिटर्न बेसिस और कैश ओनली और रिटर्न बेसिस, इन दोनों में अंतर है। कैसे, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। कैश ओनली और रिटर्न बेसिस का मतलब है कि या तो पेमेंट बेटा कैश में होगा या फिर चीज वापस होगी। ए ने गुड्स दिए बी को सेल और रिटर्न बेसिस पे, ए ने गुड्स दिए बी को सेल और रिटर्न बेसिस पे, और बी ने ये गुड्स क्या है आगे सी को सेल कर दिए। अगर हमारा सेल और रिटर्न बेसिस है तो ये वाली चीज वैलिड हो गई कि नहीं हो गई बताओ मुझे, थर्ड कंडीशन अट्रैक्ट हो गई ना, और यहाँ पर सेल ये वाली भी क्या हो गई, वैलिड, क्योंकि जो चीज आपके पास है आप आगे भी ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन यही मामला अगर क्या होता तुम्हारा कैश ओनली और रिटर्न बेसिस का, ए ने सपोज करो बी को गुड्स दिए, इस पर इस बार दिए कैश ओनली और रिटर्न बेसिस पे, ठीक है। बी ने क्या किया, अभी तक पेमेंट नहीं किया और इन गुड्स को आगे सेल कर दिया किसके पास, सी के पास। तो क्या बी को ओनरशिप मिली,
नहीं मिली क्योंकि कैश ओनली और रिटर्न था ना, और जो चीज बी को नहीं मिली क्या सी को मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो सिचुएशन बदल जाएगी अगर आपका मामला कैसा है, कैश ओनली और रिटर्न बेसिस है। सेल ओनली और रिटर्न बेसिस का केस अलग होगा और कैश ओनली और रिटर्न बेसिस का अलग होगा। कैश ओनली और रिटर्न बेसिस का मतलब क्या है बेटा? या तो पेमेंट कैश में होगा या चीज वापस होगी। क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे? हाँ, कैश ओनली और रिटर्न बेसिस में तो ओनरशिप तभी ट्रांसफर होती है जब कैश आ जाता है। समझ आ गई ना बात? तो वर्ड देख लेना, कैश ओनली है या फिर सेल ओनली है, याद रहेगी चीज। एक सेकेंड, एक ट्राई करके देखती हूँ मैं, अगर हो जाता है तो, क्योंकि ये वाली मॉड्यूल जो है इसमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे कहाँ है। थिंक इसके अंदर शायद कोई दूसरी भी है, दो हैं, वो अपनी वाली गलत मॉड्यूल ओपन हो रही है। क्वेश्चन तो वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, बट आई जस्ट वॉन्टेड कि आपका उसी में से हो। लेट मी ट्राई अ सेकेंड, एक बार कोशिश करके देखती हूँ ना मैं। एक सेकेंड, यस नहीं आ रहे ना इसमें? नहीं, कल एक बार तो एक काम करते हैं, कल नई वाली डलवाते हैं मॉड्यूल एक, तो पुरानी वाली डिलीट करवाते हैं इसमें से, क्योंकि इसमें इयर्स नहीं आ रहे। चलो अभी तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन तो मैंने आपको सेल और रिटर्न बेसिस का करा दिया, ठीक है, आगे करते हैं अपन। तो रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, सेक्शन नंबर चल रहा है अपना 25। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, अब ये होता क्या है ये समझाती हूँ मैं पहले आपको, और उसके बाद में अपन किससे करेंगे, एक बार आईसीआई वाले से कर लो चाहे एमसीसी बुकलेट से कर लेते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स होता क्या है इस केस में वो सुनो। एक टॉपिक है हमारा रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, सेक्शन नंबर है हमारा ये 25। इसमें क्या होता है कि एक तो तुम्हारे गुड्स होने चाहिए स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स होने चाहिए। स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स हैं तुम्हारे, और ये राइट रिजर्व कौन करता है? सेलर कैन रिजर्व दिस राइट, क्या लगाएगा? कुछ कंडीशंस, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ओनली ऑन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन।
जैसे मान लो सेलर जो है उसने गुड्स दिए कैरियर वाले को और क्या कहा कि इनकी डिलीवरी किसको दे दो, बायर को, और क्या लगा दी बेटा कुछ कंडीशंस कि बायर को गुड्स तभी देना जब वो पैसे दे दे, या बायर को गुड्स तभी देना जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह साइन कर दे। समझ आ रही बात? तो यहां पर ओनरशिप बायर को सिर्फ तभी ट्रांसफर होगी जब वो इन कंडीशंस को पूरा कर दे, या तो वो उनके लिए पे कर दे या फिर चेक वगैरह पे साइन कर दे। ओनरशिप के जो कागज होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, ये जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है ना, वो सेलर अपने नाम से रख लेता है। सेलर बायर से कहता है तुझे ओनरशिप तभी मिलेगी जब तू इन कंडीशंस को पूरा कर देगा। इन केस तूने इन कंडीशंस को पूरा नहीं किया तो ओनरशिप के कागज तो मेरे नाम से है, मैं जैसे चाहूं वैसे उन गुड्स को क्या कर सकता हूँ, डिस्पोज ऑफ कर सकता हूँ। इसलिए इसका नाम पड़ गया रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ। कुछ क्लियर हुआ, समझ आई कुछ बात? दोबारा सुन लो, गुड्स कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक और असर्टेन। ये राइट कौन रिजर्व कर सकता है, सेलर। क्या लगा देगा, कुछ कंडीशन। और ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी बायर को, जब वो इन कंडीशंस को पूरा करते। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स यानी ओनरशिप के कागज सेलर अपने नाम से रख लेगा। सेलर बायर से क्या बोलेगा कि तुझे ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब तू इन कंडीशंस को पूरा कर देगा। इन केस तूने इन कंडीशंस को पूरा नहीं किया तो ओनरशिप के पेपर्स तो मेरे नाम से है ना, मैं जैसे चाहूं वैसे गुड्स का निपटारा कर सकता हूं। आई कैन डिस्पोज ऑफ द गुड्स इन द वे आई वॉन्ट। दिस इज नोन एज रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ। कुछ क्लियर हुआ क्या, होता क्या ये, है ना? क्योंकि अभी वहां पे लैंग्वेज टिपिकल लगेगी तो मैं एक बार यहां से समझा के चल रही हूँ अच्छे से। ये होता है हमारा राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। लिख लिया क्या, कौन लिखेगा, लिखो भाई, क्योंकि मैं कह रही हूँ वहां पे लैंग्वेज डिफिकल्ट मिलेगी तो मैंने एक बार समझा दिया तुम्हें कि होता क्या है। किसी भी तरीके से तुम्हें ये लग जाए ना कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स किसके नाम से है, सेलर के नाम से, तो ये माना जाएगा सेलर ने ये राइट रिजर्व कर लिया। इस राइट की मेन चीज ही क्या है, ओनरशिप के कागज सेलर खुद के नाम से रख लेगा। ये ना एक दिन लाइट गई थी, याद करो, एक दिन लाइट गई थी, उसके बाद में क्या हुआ ना कि वो पुराने वाले जो पीडीएफ्स थे ना, लाइट गई थी एक दिन, फिर नए डलवाने पड़े थे और नए डले है ना, उसके अंदर ये पुराने वाली डल गई है। इनको डिलीट करा के नई वाली ऐड कराते हैं। हाँ, इसके अंदर ये दिया हुआ है कि गुड्स तुम्हारे स्पेसिफिक या असर्टेंड है, लेकिन सेलर कुछ कंडीशन लगा रहा है, सेलर कुछ कंडीशन लगा रहा है। सेलर ने ट्रांसपोर्ट वाले को सामान दिया, कैरियर वाले को सामान दिया, और क्या कहता है कि इनकी डिलीवरी तुम बायर को तभी देना जब बायर पैसे दे दे, या बायर को गुड्स तभी देना जब वो चेक वगैरह पे साइन कर दे। सेलर की तरफ से कंडीशन आ रही है, गुड्स तुम्हारे स्पेसिफिक हैं, रेडी हैं, बिल्कुल असर्टेन्ड है, यही वाले जाने बायर के पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेलर अपनी तरफ से कंडीशन लगा रहा है कि बायर को तब तक मत देना जब तक वो पैसे ना देते, जिसको बोलते हैं अपन रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। क्लियर है कि यहां तक बताओ? चलो अब एक बार देखते हैं इसको। ये वाला टॉपिक आप चाहो तो बेटा एमसीसी वाले से कर लेना, और चाहो तो आईसीआई से कर लेना, कहीं से भी कर सकते हो। मैं बताऊं उतना पोर्शन ले लेना बस, पूरा पूरा नहीं लेना इसमें। सेक्शन नंबर देखो एक बार याद करो, सेल और रिटर्न बेसिस में मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल करा दिया तो ये लैंग्वेज अपनी कवर हो गई। सही बात कहा मैंने कि नहीं कहा बता मुझे?
तो इसलिए मैं यहां से नहीं करा रही। सेक्शन 24 की लैंग्वेज मैंने जब प्रैक्टिकल करा दिया उसके साथ हो गई। इसके अंदर देखो कैश ओनली और रिटर्न भी आ रहा होगा। ये एग्जाम्पल रीड आउट कर लेना, बहुत सिंपल है, आप इजिली कर सकते हो। तीन पॉइंट पढ़े थे ना सेल और रिटर्न के, तीनों पॉइंट का एक एक एग्जाम्पल है। एक में बता देगा, एक में टाइम पीरियड के बाद गुड्स वापस नहीं करेगा, और एक में प्लेज और सेल हो जाएगी। तो तीनों के छोटे छोटे से एग्जाम्पल डाले इन्होंने। फिर ये आ रहा है कैश ओनली और रिटर्न बेसिस, इसको पढ़ो एक बार। मैंने बताया था ना ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होगी बायर को जब तक कि कैश का पेमेंट नहीं हो जाता, यही था ना। अभी इस एग्जाम्पल को पढ़ो। ए ने बी को ज्वेलरी दी है किस पे? कैश ओनली और रिटर्न बेसिस। और क्या लिखा हुआ है? ज्वेलरी ए की प्रॉपर्टी रहेगी जब तक कि प्राइस का पेमेंट नहीं हो जाता। इसका मतलब क्या है? ये आपका कैश ओनली और रिटर्न बेसिस है। बिफोर द पेमेंट ऑफ प्राइस बी ने ज्वेलरी प्लेज पे रख दी सी के पास, ठीक है। तो अब भाई ओनरशिप तो बी को मिली नहीं, तो प्लेज भी वैलिड नहीं है। यही पढ़ा था अपन ने, वही एग्जाम्पल की फॉर्म में याद दे दिया। अब आया रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। देखो इसमें जितना कराऊं उतना मैटर लेना इस टॉपिक में। सबसे पहले गुड्स कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक या फिर असर्टेन। द गुड्स आर सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट दे बिकम असर्टेन। तो मैंने सीधे क्या बोला, गुड्स कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक या असर्टेन। कौन ये राइट रिजर्व कर सकता है? सेलर। सेलर में रिजर्व दिस राइट ऑफ डिस्पोजल। क्या लगा सकता है? कुछ कंडीशंस, ठीक है। ये बन गया हमारा पॉइंट नंबर वन। समझ आई बात की नहीं है बताओ मुझे। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है? स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स को सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। सेलर ये राइट रिजर्व कर सकता है। क्या लगा सकता है? कुछ कंडीशन। सेकेंड पॉइंट क्या कहेगा हमारा? ओनरशिप बायर को तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक कि वो इन कंडीशन को पूरा नहीं कर देता। पॉइंट नंबर टू। ठीक है, ये दो पॉइंट समझ में आ गए। ये इसके आगे के दो पॉइंट जो है वो नीचे दो सर्कमस्टेंसेस बना के बेटा दिए हुए हैं। कहां पर ये आ रहे हैं? इसके आगे आ रहा है, ये वाला पोर्शन करना है। सर्कमस्टेंसेस अंडर विच राइट ऑफ डिस्पोजल मे बी रिजर्व। ये हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर थ्री, और उसके ये दो पॉइंट कर लेना, इतना करना है। थर्ड मैं अभी करा रही हूं, प्रैक्टिकल में नहीं आएगा। आएगा किसमें? अगर आया तो थ्योरी, अभी तक आया नहीं है। दो पॉइंट मैंने करा दिए, तीसरा मैं कराने जा रही हूं इसका थ्योरी के हिसाब से। क्या लिखा हुआ है देखो, इन सिचुएशंस में माना जाएगा कि सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व कर लिया है। सबसे पहले समझा रही हूं पॉइंट नंबर ए। सेलर ने गुड्स दे दिए किसको? शिपिंग कंपनी को, या फिर दे दिए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को, और क्या कहा कि इनकी डिलीवरी बायर को दे दो फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन, फॉर कैरेज पर्पज, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है, अगर शिपिंग कंपनी को दिया है तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होगा? बिल ऑफ लेडिंग। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होगा? रेलवे रिसिप्ट। इनको देख के पता चलता है दैट द गुड्स आर डिलीवरेबल टू ऑर्डर ऑफ सेलर और हिज एजेंट। इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट किसके नाम से? सेलर के नाम से। तो क्या मानोगे? प्राइमा फेसी सेलर ने ये राइट रिजर्व कर लिया। गुड्स आर डिलीवरेबल टू ऑर्डर ऑफ सेलर और हिज एजेंट, सेलर विल बी प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। ऐसा माना जाएगा सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स रिजर्व कर लिया। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। सेलर ने गुड्स दे दिए शिपिंग कंपनी को या रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या कहा? इनकी डिलीवरी दे दो बायर को। और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसिप्ट को देख के लगता है दैट गुड्स आर डिलीवरेबल टू ऑर्डर ऑफ सेलर और हिज एजेंट, तो इट विल बी प्राइमा फेसी डीम्ड। ये माना जाएगा कि सेलर ने ये राइट रिजर्व कर लिया। प्राइमा फेसी मतलब होता है एट द फर्स्ट इंस्टेंस। पहली बार देखते ही किसी चीज के बारे में आप जो ओपिनियन बनाते हो
वो होता है आपका प्राइमा फेसी एविडेंस। प्राइमा मतलब इंपॉर्टेंट, प्राइम वर्ड से बना है, और फेसी मतलब फेस पे लिखा है, फर्स्ट इंप्रेशन जिसको बोला जाता है, उसके लिए लॉ में वर्ड आता है प्राइमा फेसी। अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड सेलर ने अपने नाम से रख लिए, क्या माना जाएगा? सेलर ने ये राइट रिजर्व कर लिया। आ गया ना? रेलवे रिसिप्ट, बिल ऑफ लेडिंग एज द केस में बी, गुड्स आर डिलीवरेबल टू ऑर्डर ऑफ सेलर और इज एजेंट। गुड्स आर जिसके ऑर्डर पे डिलीवरेबल है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल उसी के नाम पे होती है, क्या माना जाएगा? सेलर ने ये राइट रिजर्व कर लिया। पिछले इसमें ए पॉइंट में इसने क्या किया भेजा साथ में? या तो भेजा बिल ऑफ लेडिंग, या फिर क्या भेज दिया साथ में? रेलवे रिसिप्ट। ठीक है, अब बी पॉइंट क्या बोलेगा? बिल ऑफ लेडिंग या फिर रेलवे रिसिप्ट एज द केस में भी, प्लस भेजेगा साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, ताकि बायर उसको एक्सेप्ट कर ले, चेक वगैरह पे साइन कर दे। इन केस बायर उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो उसे ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स कौन से, बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट वापस करने पड़ेंगे। गलत तरीके से वो इनको रिटेन भी कर ले तो भी उसको ओनरशिप नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ओनरशिप के कागज तो सेलर के नाम से है ना। पढ़ के देखो, सेलर ने क्या किया? ड्रॉ किया बिल ऑफ एक्सचेंज बायर पे फॉर अ प्राइस एंड सेंड हिम द बिल ऑफ एक्सचेंज टुगेदर विद बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट टू सिक्योर द एक्सेप्टेंस। अगर बायर जो है पे नहीं करता तो उसे ये क्या कर देने चाहिए? डॉक्यूमेंट वापस कर देने चाहिए। अगर वो गलत तरीके से इनको रिटेन भी करेगा तो उसे ओनरशिप नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि किसके नाम से है? सेलर के नाम से है। मेन चीज क्या होती है राइट ऑफ डिस्पोजल में? कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसके नाम से है? सेलर के नाम से है। अब आईसीआई की लैंग्वेज इस तरीके से दी है, मैंने तुम्हें पहले सिंपल में समझाया, इसीलिए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसके नाम से होने चाहिए? सेलर के नाम से। तभी तो वो कह रहा है बायर से कि मैं तुम्हें गुड्स तब तक नहीं दूंगा, एक तरीके से कि भाई तुम्हें ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक तुम मेरी कंडीशन को पूरा नहीं कर देते। क्यों? क्योंकि ओनरशिप के कागज तो मेरे नाम से हैं। कल को तूने कंडीशन को पूरा नहीं किया तो मैं जैसे चाहूं वैसे गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर सकता हूं। दिस इज नोन एज राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। डिस्पोज करना मतलब निपटारा करना। ओनरशिप का राइट रख रखा है सेलर ने अपने पास, तभी तो कहता है जैसे चाहूं वैसे इसका निपटारा कर दूं। क्लियर है क्या? बताओ मुझे। चार पॉइंट है, दोबारा रिवाइज करो। फर्स्ट पॉइंट कहता है कैसे गुड्स होने चाहिए, स्पेसिफिक और असर्टेन। कौन राइट रिजर्व कर सकता है? सेलर। ठीक है, क्या लगाएगा? कंडीशन। ये पॉइंट नंबर वन। सेकेंड पॉइंट, बायर को ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी बेटा? जब वो इन कंडीशंस को पूरा कर दे। ठीक है, अब थर्ड जो है वो कहता है दो कंडीशन में माना जाएगा कि सेलर ने ये राइट रिजर्व कर लिया। पहली कंडीशन, गुड्स दे दिए सेलर ने शिपिंग कंपनी या रेलवे कंपनी को फॉर पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू बायर, और बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट से रखता है, गुड्स आर डिलीवरेबल टू ऑर्डर ऑफ सेलर और इज एजेंट, तो क्या मानेंगे? सेलर एज प्राइमा फेसी रिजर्व दिस राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इस बार बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा है टूगेदर विद बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट टू सिक्योर द एक्सेप्टेंस देयर ऑफ। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता, पे नहीं करता, रिटर्न दीज डॉक्यूमेंट्स, गलत तरीके से रिटेन भी करोगे तो ओनरशिप मिलनी नहीं है। क्यों नहीं मिलनी? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट किसके नाम से है? क्लियर है क्या? बताओ मुझे, समझ आ गई बात ये वाली? तो ये यहां पर दिया हुआ है। इसके ये चार पॉइंट करने हैं, आगे कुछ नहीं करना। और आएगा तो कैसे आएगा? थ्योरी। आप अगर देखो अब यहां पर पूरा मैंने आपको सेक्शन कवर करा दिया। पहले तो दो पॉइंट तक तो यहाँ कवर हुआ था, फिर वो जो हमने बात की थी ना बिल ऑफ लेडिंग रेलवे रिसिप्ट वाली, वो इसमें है, और फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज वाली बात की थी ना, वो इसमें है। तो पूरा सेक्शन 25 मैंने तुम्हें करा दिया। एनालिसिस नहीं कराया, यहां से करा दिया। कर लोगे क्या? सिर्फ कैसे याद करना है? थ्योरी के हिसाब से कैसे करके जाना है कि शॉर्ट नोट आ जाए तो कर सको। सेक्शन नंबर क्या है तुम्हारा? 25। एक बार रीड आउट करना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। यहां तक समझ आ गई बात की नहीं आई? बताओ मुझे बेटा। अब बहुत इजी सा एक सेक्शन आ रहा है, सेक्शन 26। बट इससे पहले एक शॉर्ट रिवीजन किसका, जो अभी टॉपिक फिनिश किया।
ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, डिलीवरी ऑफ गुड्स, सबसे पहला टॉपिक किन गुड्स में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, मेरे साथ रिवाइज कर लो। पहला केस लिया मैंने स्पेसिफिक और असर्टेन का, तीन केसेस थे। पहला स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट पे है, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, कब ट्रांसफर होगी, इमीडिएटली, दैट इज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, दे आर टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट, पैकिंग पॉलिशिंग ग्रेडिंग पेंडिंग है, अब कब ट्रांसफर होगी, जब उन्हें डिलीवरेबल स्टेट में ले आओ, पैकिंग पॉलिशिंग ग्रेडिंग कर दो एंड गिव नोटिस टू बायर, यही था कि नहीं था बता। तीसरा पॉइंट, स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में है, बट सेलर हैज टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू असर्टेन द प्राइस, वेइंग, टेस्टिंग, मेजरमेंट, पेंडिंग, कब होगी ओनरशिप ट्रांसफर, व्हेन दिस एक्ट और एक्ट इज डन, वेइंग, मेजरमेंट और टेस्टिंग कर लो और गिव नोटिस टू बायर, ओनरशिप ट्रांसफर। केस समझ आ गया। फिर हम आगे सेक्शन नंबर 23 पर, जो कहता था पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, दो केस, तब तक ट्रांसफर नहीं होती जब तक गुड्स असर्टेन ना हो जाए, दो केसेस, गुड्स होल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, व्हेन द गुड्स आर अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। अप्रोप्रिएशन मतलब सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टी फॉर पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, अप्रोप्रिएशन के बाद गुड्स असर्टेन हो जाते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर, पढ़ा था ये चीज, अप्रोप्रिएशन की करेक्टरिस्टिक भी पढ़ाई थी मैंने तुम्हें, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए, उसी क्वालिटी और क्वांटिटी में जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में बात हुई है, गुड्स स्पेसिफिक कैसे होने चाहिए, असर्टेन, अनअसर्टेन होने चाहिए और फ्यूचर गुड्स होने चाहिए, और आपका ये होना चाहिए असेंट विद द सेलर ऑफ, सेलर विद द असेंट ऑफ बायर और द बायर विद द असेंट ऑफ सेलर, दिस असेंट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कैन बी गिवन बिफोर और आफ्टरवर्ड्स, पढ़ा था पूरा। फिर नेक्स्ट रूल आया था डिलीवरी टू कैरियर, डिम डिलीवरी टू बायर, जैसे ही कैरियर वाले को डिलीवरी दी, मान लेंगे बायर को मिल गई, प्रोवाइडेड सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व ना किया हो, क्योंकि राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व कर लिया तो बेटा ओनरशिप अपने पास रख ली, वहां पर डिलीवरी टू कैरियर, डिलीवरी टू बायर नहीं होती, ठीक है। फिर आ गया सेक्शन 24, सेल और रिटर्न बेसिस, तीन केसेस। पहला बायर खुद बता दे गुड्स पसंद है, जैसे ही बताए ट्रांसफर्ड, ठीक है, कुछ बोलता नहीं है लेकिन गुड्स भी वापस नहीं करता, ऑन एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, नो टाइम लिमिट देन ऑन एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम लिमिट, यही था। फिर डज समथिंग विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, सेल और प्लेज, जैसे ही वो काम करेगा ओनरशिप ट्रांसफर, सेक्शन नंबर 24। फिर 25, राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, व्हेन द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, व्हेन द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। आई होप ये क्लियर है यहाँ तक, सबको समझ आ गया ना यहाँ तक। इसके बाद में अब आ रहा है तुम्हारा छोटा सा एक सेक्शन, रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद ओनरशिप, यानी जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क, दैट इज द ओनर विल बियर द रिस्क, जब तक ओनरशिप सेलर की, रिस्क भी सेलर का, जैसे ही ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हुई, रिस्क भी बायर का, ठीक है। एक एग्जांपल आपके आईसीआई मॉड्यूल में आएगा, आप मुझे बताना क्या आंसर होना चाहिए। एक एंटीक पेंटिंग बेची जा रही थी ऑक्शन सेल में, बी ने हाईएस्ट बिड लगाई, ऑक्शनर ने एक्सेप्ट करने के लिए हैमर फॉल किया बेटा, फर्स्ट टाइम हैमर फॉल, सेकेंड टाइम हैमर फॉल, थर्ड टाइम जब हैमर फॉल हो रहा था, एंटीक से टच हो गया, एंटीक टूट गई, हु विल बियर द रिस्क, सेलर, क्योंकि अभी तक ओनरशिप बायर को ट्रांसफर नहीं, जिसकी ओनरशिप उसका, समझ आ गई बात। अब देखो इस रूल के दो एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन हमारा क्या कहता है, जो डिले कराएगा वो रिस्क उठाएगा, जिस पार्टी के डिफॉल्ट की वजह से देरी होगी रिस्क वो उठाएगा, चाहे ओनरशिप किसी की भी क्यों ना हो, द पार्टी एट हूज डिफॉल्ट द डिले इज डन विल बियर द रिस्क, नो मैटर हूज ओनरशिप इज, क्लियर है क्या, बोलो समझ आ गई बात ये वाली। अब क्या आ रहा है, ड्यूटी एंड लाइबिलिटी ऑफ सेलर और बायर एज बेली ऑफ गुड्स विल रिमेन अनइफेक्टेड, इसका मतलब क्या है, जहां सिचुएशन बेली की वहां रिस्क बेली उठाएगा। एग्जाम्पल हायर परचेज याद कर लो, ओनरशिप तो होती थी हायर वेंडर की, लेकिन रिस्क उठाता था हायरर, क्यों, क्योंकि अगर वो एक भी इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में डिफॉल्ट करता है तो हायर वेंडर को तो गुड्स वापस मिल जाएंगे, नुकसान किसका था, हायरर का। जहां सिचुएशन किसकी होती है, बेली की, हायर परचेज में हायरर की सिचुएशन बेली की थी, तो जहां सिचुएशन बेली की होती है रिस्क बेली उठाता है, चाहे ओनरशिप किसी की भी क्यों ना हो,
क्लियर है कि नहीं है बताओ मुझे। दो एक्सेप्शन है, जनरल रूल क्या कहता है, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क। एक्सेप्शन पहला, जो डिले कराएगा रिस्क उठाएगा। दूसरा, जा बेली की सिचुएशन, बेली रिस्क उठाएगा। ये लाइन तो तुम्हारे समझने के लिए थी, याद क्या करोगे, ड्यूटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ सेलर एंड बायर एज बेली ऑफ गुड्स विल रिमेन अनइफेक्टेड। याद रहेगी ये लाइन, याद करनी है ये वाली लाइन, है ना, ड्यूटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ सेलर और बायर एज बेली ऑफ गुड्स विल रिमेन अनइफेक्टेड। दैट मींस कि जहां बेली की सिचुएशन है, रिस्क कौन उठाएगा, बेली उठाएगा। क्लियर है क्या बताओ? अब देखो यही चीज अपन करने जा रहे हैं आईसीआईसीआई। मैं तुम्हें करा रही हूं ये वाला पोर्शन यहां से, यहां अच्छा दिया हुआ है एनालिसिस टाइप में, यहां से कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 26, ओनर ऑफ द गुड्स मस्ट बियर द रिस्क लॉस और डैमेज ऑफ द गुड्स अनलेस अदरवाइज एग्रीड। जब तक कि एग्रीमेंट में कुछ और नहीं लिखा है, रिस्क कौन उठाएगा, ओनर उठाएगा। ठीक है, अंडर सेक्शन 26, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक एग्रीमेंट में कुछ और नहीं लिखा है, गुड्स जो है वो सेलर के रिस्क पे रहेंगे जब तक कि ओनरशिप बायर को ट्रांसफर नहीं हो जाती। जैसे ही बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, रिस्क भी बायर का। एंटीक वाला एग्जाम्पल पढ़ लो, मैंने अभी दिया था तुम्हें। यही था। नेक्स्ट क्या आ रहा है इसके अंदर, देखो दो एक्सेप्शन है, दो क्वालिफिकेशंस हैं। पहला, इफ डिलीवरी हैज बीन डिलेड बाय द फॉल्ट ऑफ एनी पार्टी, गुड विल बी एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन डिफॉल्ट। जो देरी कराएगा रिस्क उठाएगा, यही था ना। सेकंड, ड्यूटी एंड लाइबिलिटी ऑफ सेलर एंड बायर एज बेली विल रिमेन अनइफेक्टेड। दैट इज, जहां ड्यूटी बेली की है, रिस्क कौन उठाएगा, बेली उठाएगा। A contracted to sell 100 bales of cotton to be delivered in February. B took the delivery of the part of the cotton but made default in accepting the bales. Consequently, cotton जो है वो unfit हो गई। किसने default किया था, delay किया था? B ने। Risk भी कौन उठाएगा? B, buyer. और फिर आगे वो general ले रखा है ये वाला exception. General rule shall not affect the duty and liabilities as bailee, even when the risk has passed. तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना पूछ, हो जाएगा। जिसकी ownership उसका risk, जो delay कराएगा risk उठाएगा, and duty and liability of seller and buyer as bailee will remain unaffected. ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ गई चीज। इसके बाद में आ रहा है तुम्हारा transfer of title by non-owners. सेक्शन नंबर 27 से 30 तक के, मार्क दिस टॉपिक एज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तुम्हारा देखो, इस पूरे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में दो डॉक्ट्राइन है, एक तो तुमने पढ़ ली, कौन सी, कैवेटेम्प्टर, और दूसरी अब पढ़ने जा रहे हो, नेमो दैट कोड नॉन एम्प्टर। और दोनों इतने इंपॉर्टेंट है, दोनों पे छह छह नंबर के क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी भी आते हैं, प्रैक्टिकल भी आते हैं। सेक्शन नंबर भी याद कर लेना, ब्रॉडली याद करना है, पूरे नहीं, 27 से 30 क्या लिख रखा है, नेमो दैट कोड नॉन हैबिट, नो वन कैन ट्रांसफर बेटर देन ही हिमसेल्फ एज। कोई भी उससे अच्छी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता जितनी उसके खुद के पास है। दैट इज ओनली द ओनर कैन ट्रांसफर द गुड्स। एक फनी स्टेटमेंट की फॉर्म में बताऊं, मेरे पास 10 रुपए हैं तो मैं आपको 10 ही दे सकती हूँ, 15 नहीं दे सकती। जो चीज मेरे पास नहीं है वो मैं आपको भी आगे ट्रांसफर नहीं कर सकती, ये कहता है हमारा रूल, नेमो दैट कोड नॉन हैबिट, नेमो दैट कोड नॉन हैबिट, नो वन कैन ट्रांसफर बेटर देन ही हिमसेल्फ। यस, हायर परचेज इज स्टोलन प्रॉपर्टी। सोच के बताओ, नेमो दैट का रूल लगेगा या नहीं लगेगा? नेमो दैट का रूल क्या हायर परचेज स्टोलन प्रॉपर्टी पे लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। एग्जाम्पल ही पढ़ लेते हैं, मैंने एक्सेप्शन थोड़ी ना लिखा है। अगर नहीं लगता तो मैं एक्सेप्शन में डालती, मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, एग्जाम्पल, इसका मतलब लगेगा। अब समझो कैसे, हायर परचेज और स्टोलन प्रॉपर्टी में बोनाफाइड परचेजर को भी कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? पहले वाले के पास नहीं होता, यही तो कह रहा है नेमो दैट,
कि पहले वाले के पास नहीं है तो आगे वाले को भी नहीं मिलेगा। कह रहा है ना, द टाइटल ऑफ ट्रांसफरी कैन नेवर बी बेटर देन दैट ऑफ द ट्रांसफरर, द टाइटल ऑफ बायर कैन नेवर बी बेटर देन दैट ऑफ द सेलर। जो चीज सेलर के पास नहीं है वो बायर को भी नहीं मिलेगी। नेमो दैट वुड नॉट हैपन। क्लियर है क्या? बताओ, जनरल रूल क्या कहता है? सिर्फ ओनर ही अपने गुड्स को आगे बेच सकता है, यही कह रहा है ना जनरल रूल। तो एक्सेप्शंस क्या कहेंगे? इन इन केसेस में नॉन ओनर भी गुड्स को आगे बेच सकता है एंड द सेल विल बी वैलिड। अब यहाँ एक चीज देखो, मजे की चीज क्या है यहाँ पे, कि जो दो एग्जांपल है ना, हायर परचेज और स्टोलन प्रॉपर्टी, दोनों में तुम्हारी सेल कैसी है? वॉइड। बोनाफाइड परचेजर को भी कुछ नहीं मिलता, सेल इज वॉइड। और जितने इसके एक्सेप्शन पढ़ोगे ना, सब में सेल क्या होगी? वैलिड। सब में सेल क्या होगी? वैलिड। डेप्थ में कल बताऊंगी और कल इसके प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। कल क्या मतलब मंडे को ले लेते हैं ये टॉपिक। मंडे को ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपन को कवर करना है। कोई क्वेरी है तो बेटा पूछ सकते हो सक्षम। एनी क्वेरी इफ यू हैव। हाँ कोई क्वेरी है सक्षम बताओ बेटा। कैमरा का तो देखो इशू था आज, मानती हूँ मैं। और कोई क्वेरी है तो बताओ बेटा। अपने आप ही आ रहा है, अपने आप ही जा रहा है। ठीक है तो चलो फिर वाइंड अप करते हैं अपन।